सामने गाइस, दिस इज अमर फ्रॉम यंजूस। और आज के इस वीडियो में यार, ये फिजियोलॉजी की जो एक मोटी सी बुक है, या कोई भी आपके पास जो बुक होगी, ठीक है, उसे आप कैसे इजीली पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और कम से कम कीमत के अंदर उसकी आप वो बाइंडिंग एक किस्म का कर सकते हैं ना। तो अगर आप जिल्द वगैरह कराते हैं, वो जो एक्सरे जिल्द होती है, तो उससे किताब खुलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, तो इसलिए मैं एक्सरे जिल्द को पसंद नहीं करता। दूसरा, फिर वो जो गत्ते वाली जिल्द होती है, अगर आप वो कराओ, उससे किताब महफूज तो बहुत रहती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उससे फिर वज़न गत्ते का भी आ जाएगा। तो अब आपके सामने मैं ये एक बुक है, ठीक है, फिजियोलॉजी की बुक है, MBBS से फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए होती है। तो इसे मैंने ये नाइफ से, तो इसे ना ऐसे अलग कर लेना कि आपने दोनों तरफ ऐसे वो दबाव डाल के बुक को, तो दरमियान से आप इसे जो गम लगी होती है, ठीक है, उसके ऊपर आप ऐसे नाइफ फेरें, तो ये ईज़िली आपकी ना बुक अलग हो जाएगी वहाँ से, जहाँ से आप करना चाहते हैं। बाद में उसे सीज़र से वहाँ से कट कर लें, वो उसका गत्ता वगैरह पास से, जहाँ से वो नीचे लगा होता है ना, तो ऐसे आपका वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट हो जाएगा अलग, और आपको उस एक्स्ट्रा पार्ट से जो आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उठाने की वो फिर ज़रूरत नहीं है ना। साथ लेके जाते फिर आप हॉस्टल में, या स्कूल, या यूनिवर्सिटी, या कॉलेज, जो भी आप जहाँ स्टडी करते हैं, तो इसलिए फिर आपको ईज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपने इसे अलग कर लेना, तो ये देखें आपके सामने बुक इजीली लॉक हो गई, और उसके कोई वो टियर नहीं हुआ कि पेजेस वगैरह निकल आएंगे जो भी ना। तो ये नाइफ आपने इजीली बस इसके ऊपर फेरते जाएं, हल्का हल्का दबाव डाल के ना दोनों तरफ, ताकि वो खुलती भी जाए, और इसके ऊपर जब आप नाइफ ऐसे फेरेंगे तो ये इजीली अलग हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना, हमने ये फ़ाइल मिलती है, ठीक है, एक इससे बड़ी फ़ाइल होती है ऑफिस फ़ाइल, एक ये होती है ज़रा उससे मोटी होती है, 20 की आती है शायद, हाँ 20 की ही आती है, मैंने 20 की ली थी, तो दो आ गई थी 40 की। तो आपने ये दो तीन फाइल्स आपने ले लेनी है, ठीक है। तो आप अगर जाएंगे उनकी दुकान पे, कोई फ़ोटो स्टेट वाली या किसी बुक वाली, तो अव्वल तो कहेगा कि इस पेज में से ना ये नहीं गुजरेगी ना पिन। तो आपने क्या करना, आपने उस बुक को और ज़्यादा बड़ी पार्ट्स में कर लेना, मसलन जहाँ चार चैप्टर्स आपने अलग किए थे, वहाँ चार के भी दो दो अब आपने अलग कर लेने, ठीक है। तो ऐसे जो ये एक्स्ट्रा उसके लिए उसे कहना, ये फाइल लगा के पिन्स स्टेपल कर दे, ठीक है, तो वो बड़ा स्टेपल होता है उनके पास, वो कर देगा। और फिर जैसे ये मैं कर रहा हूँ आपके सामने, कि ये जो एक्स्ट्रा गत्ता ही अंदर को फोल्ड कर दें, ताकि इससे आपकी एक बुक की प्रोटेक्शन, वो ज़्यादा भारी गत्ता आपके इर्द गिर्द हो जाएगा, ठीक है, बजाय उसे काटने के, तो आप उसे ऐसे ईजिली अपनी बुक के इर्द गिर्द ये ज़्यादा मोटाई उसकी कर सकते हैं, उसके कॉर्नर्स वगैरह के ऊपर ना, बॉर्डर्स पे। तो ऐसे आपकी इंशाल्लाह बुक सिक्योर हो जाएगी और आप इजी हो जाएंगे। तो जो आपको पार्ट नहीं चाहिए, वो आप ना स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेके जाएं, और जो चाहिए वो आप लेके जा सकते हैं। जो एक्सरे जिल्द होती है, उससे ये बहुत बेहतर है, बिकॉज इससे आप अपनी मर्ज़ी से उसे कह सकते हैं पास खड़े होके कि कहाँ आपने स्टेपल वो करनी ना, जो बुक की बाइंडिंग के ऊपर स्टेपल करनी है। ये वाली स्टेपल नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये तो वो है ना गत्ते को सही करने के लिए। तो ये देखिए, ईज़िली बुक खुल सकती है और ईज़िली आप उसे फिर स्टडी कर सकते हैं। तो गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा, ये वैसे ही एक वीडियो थी, तो ऐसे जल्द कराने से बेहतर कि आप ऐसे अपनी बुक को बाइंडिंग करा लें। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और वीडियो और चैनल को शेयर लाजमी कर दिया करें अपने फ्रेंड के साथ। एक हम्बल, एक आजाना रिक्वेस्ट है। तो अल्लाह हाफिज़।